वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 95 हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज के ऊपर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल में। पिछली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 94 में हमने देखा था कि कैसे हम एक बाइनरी फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और सिंपली डेटा को रिट्रीव करके लेके आते हैं। इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को सर्च करेंगे किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे। तो सिंपली इसके लिए एक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि बाइनरी फाइल में आपको जो डेटा है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक हम इंसर्ट करते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की मदद से इंसर्ट करते हैं। तो जो पुरानी प्रोसेस है जो हमने वीडियो नंबर 94 में की है वही हम करेंगे, क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप कुछ पार्ट को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं या आप देखें रिविजन आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम फाइल स्ट्रीम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे फाइल हैंडलिंग के लिए, देन हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हमारी कोनियो हेडर फाइल। और सिंपली हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट टाइप की, तो क्लास स्टूडेंट और स्टूडेंट का कुछ डेटा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप रोल नंबर एंड स्टूडेंट का नेम, क्योंकि डेटा जो बाइनरी फाइल में लिखा जाता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक लिखा जाता है। और इसके हम मार्क्स भी ले लेते हैं, तो फ्लोट में हमने स्टूडेंट के मार्क्स भी ले लिए। देन पब्लिक सेक्शन में इस डेटा को रीड करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं void read, और read फंक्शन में हम मान लीजिए सारा काम अगर हम एक ही स्टेटमेंट से यहाँ पे दे दें, हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट में इंटर रोल नंबर कॉमा नेम एंड मार्क्स, तो आप चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो sin ऑब्जेक्ट की मदद से रोल नंबर एंड नेम हम यूज कर लेते हैं या रीड कर लेते हैं गेट्स की मदद से, और गेट्स आपका होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो ये प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट सेम है जैसा पिछले वीडियो में था, तो आप चाहे तो स्किप करें या अगर आप रिवीजन के पर्पस के लिए देखना चाहें तो इसे देखते रहिए। तो सिन नेक्स्ट हमने यहाँ पे मार्क्स भी इंटर कर लिए, तो तीनों डेटा हमारा पार्ट यहाँ पे इंटर हो गया। देन इसको डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं void display, एंड इसके अंदर भी हम सारा डेटा डिस्प्ले कर देंगे void name, तो नेम आ जाएगा, देन रोल नंबर जो हमारा है एंड रोल यहाँ पे आ गया, एंड फाइनली जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो मार्क्स भी आपके यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो नॉर्मल हमने एक क्लास क्रिएट करी, फंक्शन क्लोज एंड हमारी क्लास भी क्लोज। तो ब्लॉक में लिखना है तो ऑब्जेक्ट की मदद से, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे क्लास भी क्रिएट कर ली है। अब हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से ही अपनी बाइनरी फाइल के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन जब हम रीड करेंगे तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे, या ये कहिए हम वहाँ पे रोल नंबर इंटर करेंगे और उसके बेस पे स्टूडेंट का नेम एंड मार्क्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं void main, यानी कि मेन फंक्शन, देन आपका आ जाएगा क्लियर स्क्रीन। तो सबसे पहले राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि एक फाइल बना लेते हैं बैकएंड पे, जिसमें कि उसका नाम हम रख देंगे today.dat, और इसमें कुछ हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट डेटा को लिखते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा क्लास का, तो क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्टूडेंट सी ओ, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे रीड करेंगे या इन फंक्शनों को एक्सेस करेंगे। देन सबसे पहले हमको यहाँ पे फाइल ओपन करनी है today.dat, और वो भी राइटिंग मोड में, यानी कि हमने उसमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑफ स्ट्रीम, यानी कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम। आप कोई भी क्लास आप या तो एफ स्ट्रीम यूज करें जो दोनों ही इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, या आप ऑफ स्ट्रीम यूज करें। तो इनके बारे में डिटेल में पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना है, तो इसमें को मैं फिलहाल अभी डायरेक्टली इनको यूज करने वाला हूँ। तो ऑफ स्ट्रीम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से हमने इसको फाइल को ओपन कर लिया, यानी कि today.dat को हम ओपन कर रहे हैं, जो कि एक iOS यानी कि मोड हमने दे दिया बाइनरी, एक बाइनरी फाइल है। आप चाहे तो यहाँ पे iOS आउट भी दे सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट मोड इसका ऑफ स्ट्रीम का आउट ही होता है, यानी कि हम फाइल में लिख रहे हैं, या आप अपेंड मोड भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर ये एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसके एंड में आपका यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने फाइल ओपन कर ली, तो मान लीजिए इसमें हमने फाइव जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका डेटा इंसर्ट करना है। तो फाइव का अगर हमने डेटा इंसर्ट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे एक लूप यूज करेंगे। तो लूप हमने यहाँ पे यूज कर दिया फॉर इंट आई इक्वस टू जीरो से लेकर आई इज लेस देन फाइव तक, आई इक्वस टू आई प्लस वन।
तो हम रीड कैसे करते थे डेटा को, यहाँ पे आपका रीड फंक्शन की मदद से करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने कॉल किया सीओ डॉट रीड, तो इससे क्या होगा, आपका सीओ नाम का ऑब्जेक्ट है और रीड नाम का फंक्शन है, तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाते ही रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स हम इंटर करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा रोल नंबर, देन नेम, देन मार्क्स, तो तीनों हमने मान लीजिए स्टार्टिंग में रीड किया, यानी कि वन रोल नंबर हो गया, अमित यहाँ पे नेम हो गया, और मार्क्स मान लीजिए 98 इसके आए हैं। तो ये हमारा डेटा है, तो इस डेटा को हमने लिखना है फाइल में। तो फाइल को में हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से हम यहाँ पे ओपन करेंगे राइट फंक्शन को, एंड देन उसकी मदद से हम फाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट राइट हमने लिखना है, तो इसमें सिंपल जो इसका सिंटेक्स हमने पढ़ा था, करेक्टर टू पॉइंटर एड्रेस ऑफ जो भी हमारा वेरिएबल है या हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि है सीओ, यानी कि इसके एड्रेस से हम डेटा को निकाल के ला रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे करेक्टर, और कितना डेटा निकालना है, तो उसके लिए आ जाएगा इसका साइज, यानी कि साइज ऑफ सीओ। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसे हम इसमें लिखेंगे और ये काम आपका चलता रहेगा। कितने बार चलेगा ये लूप, 5 times, यानी कि 5 times ये रीड होगा, फर्स्ट टाइम रीड हुआ एंड राइट हुआ, यानी कि ये डेटा जो ऑब्जेक्ट के पास है ये आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। और कितने बाइट का एक बार में स्टोर हो रहा है, ये आपका होगा 30 प्लस फ्लोर का यहाँ पे हो गया 4, 34 एंड 2 36, तो 36 बाइट यहाँ पे आपका स्टोर हो चुका है। एंड देन जब ये रिपीट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी 0 से, तो दोबारे रीड, मान लीजिए यहाँ पे हमने किया 2 एंड नाम हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल अनिल, एंड मार्क्स दे दिए 97, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नेक्स्ट 32 बाइट में 2 अनिल एंड 97, और ये आपका होगा किसकी मदद से, राइट नाम के फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे दूसरा डेटा भी वहाँ पे इंटर हो गया, ऐसे करते करते सारा डेटा हमारा इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में किया हुआ है। देन फाइनली इस फाइल को क्लोज कर दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज हमने कर दिया। तो ये तो सेम हमारा जैसा हमने पिछले वीडियोस में किया है, पिछले वीडियो नंबर 94 में सेम वही है। अब हमको रीड करना है और स्पेसिफिक रीड करना है। तो यहाँ पे रीड करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको किस रोल नंबर का यहाँ पे डेटा रीड करना है। तो सबसे पहले एक रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए इंट आर, तो इंट आर हमने ले लिया। यूज़र से सीधा हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देते हैं सी आउट में, इंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने पूछ लिया, एंड देन इसके आगे हम लिख देंगे सिन में रोल, यानी कि रोल नंबर हमको पता लग जाएगा जो कि आपका है आर नाम के वेरिएबल में, सॉरी, तो वेरिएबल है आर नाम का, तो इसमें हमारा रोल नंबर आ जाएगा जो हमने सर्च करना है। मान लीजिए इसके अंदर जो रोल नंबर हमने डाले हैं 5 अलग अलग में, वो आपका है 1 and 2, इसके अलावा एक 18 है इसका डेटा, एक 25 इसका डेटा, 5 है तो एक ले लिया हमने 29, तो ये 5 रोल नंबर फिलहाल इस फाइल में स्टोर है। तो आर में अगर इनमें से कोई रोल नंबर होगा तो हमको उसका डेटा चाहिए। अब डेटा के लिए सबसे पहले हमको फाइल को ओपन मोड में यहाँ पे खोलना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओपन मोड में आपका जो यहाँ पे डेटा होगा वो हम खोलेंगे IF स्ट्रीम, यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम में। तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी नाम का ऑब्जेक्ट, और फाइल को ओपन कर लेते हैं जो कि है today.tat। फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और फाइल है आपकी बाइनरी फाइल, तो हमने लिख दिया बाइनरी, और हम इसको कर रहे हैं रीडिंग मोड में, यानी कि इनपुट मोड में। तो फाइल तो ओपन हो गई, अब सिंपली क्या करना है, लूप वाइल हमको सारा का सारा डेटा रीड करना है। तो रीड फंक्शन की मदद से वाइल क्यों हम कर रहे हैं, ताकि जब तक ऑब्जेक्ट को डेटा आपका रीड करता जाएगा, ऑब्जेक्ट या डेटा मिलता जाएगा ऑब्जेक्ट आपके रीड फंक्शन को, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। तो वाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया टी डॉट रीड, एंड इसमें हम करेंगे सेम सिंटेक्स, और हम रीड करेंगे आपका सीओ नाम के ऑब्जेक्ट के ही बफर में टेम्परेरीली। और कितना डेटा एक बार में फाइल से रीड करना है, जितना सीओ का यहाँ पे सिंपली आपका साइज है, यानी कि साइज ऑफ सीओ। देन हमने यहाँ पे रीड फंक्शन क्लोज किया, एंड फाइनली वाइल फंक्शन को भी, सॉरी वाइल लूप को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये तो रीड करता रहेगा, अब इसको डिस्प्ले करना है डेटा किसी क्राइटेरिया के बेस पे। कौन सा क्राइटेरिया, जो हमारा रोल नंबर है। तो एक कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ जो हमारा आर है यानी कि रोल नंबर है वो बराबर हो, किसके बराबर हो। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा रीड होगा, यानी कि आपके बफर में क्या रीड होगा, आपके बफर में यहाँ पे सीओ क्या जाएगा, 1
अमित एंड 98। तो यहाँ पे अभी जो आपका सीओ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके तीन वैल्यू हैं, कौन कौन से? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो आपका फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इस फंक्शन से मैं करेंटली रिटर्न कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट का जो रोल नंबर है, या ऑब्जेक्ट में जो रोल नंबर वाला पार्ट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लास को बंद नहीं करेंगे और उससे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन क्या होगा, जो कि आपका रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू यानी कि रोल नंबर, और फंक्शन का नाम लिख देते हैं RTN यानी कि रिटर्न, और ये आपका सिंपली रिटर्न करेगा क्या, रोल नंबर यानी कि ROLL रोल। तो इतना ही है, देन आप क्लास को क्लोज कर दीजिए। तो इस फंक्शन का काम क्या होगा, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट के पास जो रोल नंबर है उसको रिटर्न करना। तो यहाँ पे जो करंट ऑब्जेक्ट है, जब फर्स्टली ये रीड करेगा तो उसके पास रोल नंबर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे हम R के साथ जो आपका रोल नंबर हम खुद एंटर करने वाले हैं, मान लीजिए हमने जो रोल नंबर एंटर किया वो था आपका 18, यूजर ने कहा मुझे 18 रोल नंबर वाले का डेटा यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे तो R में तो है 18, लेकिन यहाँ पे है 1, तो हमको डिस्प्ले नहीं करना है। और ये 1 आपका आएगा कैसे, चेक कैसे होगा, इस फंक्शन की मदद से। ये फंक्शन आपका रिटर्न कैसे करेगा, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसको कॉल करेंगे, यानी कि जो हमारी क्लास है CO, तो अगर हम लिखते हैं CO.RTN फंक्शन, तो ये क्या है CO.RTN, यानी कि R किसके साथ आपका चेकिंग यहां पे कर रहा है, जो CO.Return यानी कि रिटर्न फंक्शन जो आपका रिटर्न करने वाला है, RTN फंक्शन जो रिटर्न करेगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में जब ये लूप चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो 1 टू 18 के बराबर नहीं है, तो हमें डिस्प्ले यहाँ पे नहीं करना है, यानी कि आपका जो डिस्प्ले फंक्शन है यानी कि CO.Display जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से हमने डिस्प्ले को कॉल किया। तो डिस्प्ले केवल आपका तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो स्टार्टिंग में आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि इफ के बाद ही ये स्टेटमेंट चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होती है। तो ये लूप आपको हमने चलाना ही है, तो ये हमने चलाया और फाइनली हम इसको क्लोज भी कर देंगे, यानी कि टी डॉट क्लोज भी करेंगे, देन हम गेट चेज भी करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक बार तो आपका रीड नहीं हुआ यानी कि आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे, तो आपका जब दोबारा ये लूप आपका चलेगा, क्योंकि अभी भी रीड फंक्शन फॉल्स नहीं हुआ है, अभी भी इसको डेटा मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब सेकंड यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है वो रीड होके आएगा इसके बफर में, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे अनिल एंड मार्क्स 97, तो क्या होगा, अब यहाँ पे R अभी भी हमने 18 डाला हुआ है, यानी कि R हमने 18 यहाँ पे रोल नंबर डाला है, लेकिन CO.RTN जो यहाँ पे आपका फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2, तो अभी भी इक्वल नहीं है, तो डिस्प्ले नहीं होगा। देन थर्ड टाइम, जब हम थर्ड टाइम यहाँ पे थर्ड ब्लॉक को रीड करेंगे, तो आपका जो इसका बफर है इसमें आ जाएगा 18 एंड नाम, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया दीपक, इसमें दीपक नाम था फॉर एग्जांपल, एंड मार्क्स हमारे दीपक के थे 100। तो क्या होगा, तो यहाँ पे R 18 है, और यहाँ पे जब ये रिटर्न करेगा जो आपका RTN फंक्शन है, करंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो आपकी वैल्यू है रोल नंबर की, वो है यहाँ पे 18, तो 18 एंड 18 आपका कंडीशन ट्रू है, तब आपका ये डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और डिस्प्ले फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो डिस्प्ले में क्या है, नेम, और नेम में हमारा करंट नेम क्या प्रिंट होगा, दीपक, रोल नंबर हमारा ऑलरेडी जो है 18, एंड मार्क्स जो हमारे करंट मार्क्स हैं यानी कि 100। तो यहाँ पे इस कंडीशन के बेस पे आपका करंट जो आप यहाँ पे रोल नंबर डालें, आप किसी और चीज़ से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मार्क्स से आप सर्च कर सकते हैं, तो सिंपली हमारा डिस्प्ले करके हम यहाँ पे अपने डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था सर्चिंग ऑपरेशन आपका बाइनरी फाइल में, वीडियो नंबर 95। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 96 के अंदर।